भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान निकाय चुनाव के चलते प्रचार प्रसार करेंगे और इसी के चलते आज सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा और जबलपुर दौरे पर है। बता दें, ये खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां निकाय के रण में सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। आज सीएम शिवराज विदिशा और जबलपुर दौरे पर रहेंगे, जहां बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो और जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करने वाले हैं। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हमारे न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पंकज जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी के चलते आज वो विदिशा और जबलपुर में हैं। क्या तैयारी की जा रही है बीजेपी की ओर से प्रचार को लेकर? बिल्कुल अनुपमा, जबलपुर और विदिशा के प्रत्याशियों में आज बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि वहां पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और इन प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे, जनसभा करेंगे और उनके समर्थन में लोगों से वोट की अपील भी करेंगे। जबलपुर के डॉक्टर जितेंद्र जामदार जो हैं वो मेन प्रत्याशी हैं और विदिशा में नगर पालिका की जो 6 सीट हैं उस पर प्रत्याशी खड़े हुए हैं। इन सभी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 2 से 3 घंटे इनके बीच में रहेंगे और रोड शो करेंगे, जनसभा करेंगे और प्रत्याशियों के समर्थन में जो है वो वोट की अपील भी करेंगे। तो एक बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है उन कार्यकर्ताओं में, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत मैदान में दिखाई भी दे रही है और आज जबलपुर और विदिशा के कार्यकर्ताओं के बीच में वो रहेंगे। पंकज जी, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी मुख्य तौर पर है, लेकिन वहीं पर अब AIMIM के जो अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी, वो भी अब मध्य प्रदेश में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी हो सकती है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो है उनकी सबसे बड़ी परेशानी कांग्रेस को होनी है और वो ये कह भी चुके हैं, क्योंकि कल ही उन्होंने वक्तव्य दिया कि कांग्रेस को वो खत्म करना चाहते हैं। और अगर हम वोटों की समीकरण की बात करें तो जो मुस्लिम समुदाय है वो बड़ा सपोर्टर है कांग्रेस का। तो जब असदुद्दीन की जो पार्टी है वो दाखिल हो गई मध्य प्रदेश में तो वो वोट कांग्रेस के कटेंगे। ये कहा भी जा रहा है कि जहां जहां असदुद्दीन जहां पर प्रचार किया है ओवैसी ने, वहां वहां भाजपा को प्रचंड जीत मिली है पूरे देश में। तो भाजपा के लिए तो ये प्लस माना जा रहा है, कांग्रेस के लिए जरूर जो है परेशानी का कारण बन गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो भोपाल से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां निकाय के रण में सीएम शिवराज सिंह चौहान उतर गए हैं और इसी के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा और जबलपुर दौरे पर रहेंगे।